हेलो फ्रेंड, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बना रही हूँ चने की भाजी और मक्के की रोटी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो चने की भाजी ली है, जिसे अच्छे से बॉस कर लिया है और इसे मैंने अच्छी तरह से बारीक कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर चार हरी मिर्ची, चार से पांच लाल खड़ी मिर्ची और एक बड़ा अदरक और लहसुन लिया है। इन सभी को मैंने बारीक पीस लिया है। यहाँ पर मैंने एक बड़ा टमाटर को बारीक कट कर लिया है। अब मैं एक बर्तन में 2 कप पानी गर्म होने के लिए रख दूंगी। पानी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दूंगी और इसमें पिसा हुआ मसाला ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें कटा हुआ टमाटर ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैं एक चुटकी हींग ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें आधी चम्मच हल्दी ऐड कर दूंगी और इसे 2 से 3 मिनट के लिए उबाल आने तक ढक कर रख दूंगी। ये देखिए, मसाला अच्छी तरह से उबल चुका है। अब मैं इस चने की भाजी में 1 चम्मच मक्के का आटा ऐड कर दूंगी। अब मैं इस भाजी को मसाले में ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो मक्के के आटे की जगह गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हो। अब मैं इसे अच्छी तरह से चला लूंगी और इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पर ढक कर रख दूंगी। ये देखिए, चने की भाजी में अच्छा उबाल आ गया है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इसे 1 मिनट के लिए और अच्छे से चला लूंगी। ये देखिए, चने की भाजी बन के रेडी हो गई है। अब मैंने यहाँ पर मक्के का डो तैयार कर लिया है। अब मैं मक्के की रोटी बनाने के लिए उसने में से थोड़ा सा आटा ले लूँगी। इस आटे को मैं पानी की सहायता से अच्छे से स्मूथ कर लूँगी। ये देखिए, लोई अच्छी तरह से स्मूथ हो गई है। अब मैं इस लोई को सूखे आटे की सहायता से गोल शेप दूंगी। मैंने यहाँ पर सूखा आटा गेहूं का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, मैंने हाथों की सहायता से आधी रोटी बना ली। अब मैं इसे बेलन की सहायता से धीरे धीरे बड़ा कर लूंगी। बेलन को हमें हल्के हल्के हाथों से ही चलाना है ताकि रोटी फटे ना। ये देखिए, मक्के की रोटी बिल गई है। अब मैं गर्म तवे पर रोटी को डाल दूंगी और आँच को मीडियम ही रखना है। एक तरफ से सिक जाने के बाद इसको पलट दूंगी। रोटी दूसरी तरफ से भी सिक चुकी है। अब इसे मैं गैस पर सेंक लूंगी। गैस की आंच हमको मीडियम ही रखना है और इसे चारों तरफ से सेंकना है। ये देखिए, मक्के की रोटी कितनी अच्छे से फूल चुकी है। मक्के की रोटी बन के तैयार है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी और इसके ऊपर घी लगा लूंगी। यहाँ पर हमारी चने की भाजी बन के रेडी हो गई। अब मैं यहाँ पर चने की भाजी मक्के की रोटी को परोस लूंगी। चने की भाजी और मक्के की रोटी बन के रेडी हो गई है। आप भी इसी तरह एक बार चने की भाजी जरूर बनाएं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।